पीएफ की हिस्ट्री सीरीज में आज आप हैरान होने वाले हैं। यहाँ आज आप जो देखेंगे हो सकता है आप में से बहुतों को लगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये वीडियो तुम नकली तो नहीं दिखा रहे। दोस्त ये नकली नहीं दिखा रहा हूँ, ये असली वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूँ, पीएफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो दोस्त, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये चैनल बढ़ सके। ये चैनल सबसे ज़्यादा नॉलेज देता है लेकिन बाकी सभी चैनल में सबसे ज़्यादा पीछे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने में, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो मैं यहाँ आपको जो दिखा रहा हूँ ये है वीडियो 2019 की। यहाँ पे 2019 के अंदर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि आज जो आपको पासबुक का फॉर्मेट दिखता है, जहाँ पे आप अपना यूएन नंबर डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आप अपना लॉगिन कर पाते हैं और वहाँ आपको दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर का, ब्रह्मांड भर का आपको ग्राफिक कार्ड सब कुछ दिखता है। लेकिन जब आप 2019 की बात करते हैं तो 2019 के अंदर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं था। कोई भी पासवर्ड ना होने का मतलब ये है कि अगर मुझे आपका यूएन नंबर पता है तो मैं बिना परमिशन के आपका ना केवल पीएफ अकाउंट देख सकता हूँ बल्कि आपने कब फॉर्म भरा है, आपको कितने पैसे निकाले गए हैं, आपने कौन सी तारीख में पैसा आपके बैंक में आया है, सारी जानकारी खुली किताब जैसे पीएफ ऑफिस वाले दिया करते थे। तो उस टाइम पे प्राइवेसी के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम पे जब मैं काम करता था तो मुझे किसी से पासवर्ड पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं सीधे यूएन नंबर पूछता था और उसका बैलेंस चेक करता था कि उसका बैलेंस कितना है। जब उसका बैलेंस देख लिया उसके बाद ही उसका काम करना होता था। तो यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप देख लीजिए, एक्चुअल एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने ये वीडियो प्ले की है। इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूएन नंबर डालेंगे और यूएन नंबर डाल के हम यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड हम एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये यूएन नंबर डाला। यूएन नंबर डाल के हम जब सर्च कर रहे हैं तो सीधे सीधे हमें मेंबर आईडी देखने का ऑप्शन दे दिया गया और उसके बाद हमें यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ से सीधा सीधा अपना क्लेम देख पाते थे, हमें किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ पे आसानी से देख सकते थे कि इस आदमी का फॉर्म किस दिन पास हुआ है, कितने रुपए का पास हुआ है। ये फिलहाल यहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखा रहा है कि आपको क्या लगता है, अगर आज के टाइम पे ये चीज़ हो जाए तो सही रहेगा या गलत रहेगा? मेरे हिसाब से तो ये गलत रहेगा भाई। पासबुक अगर है किसी की पीएफ पासबुक तो उसको किसी को भी देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो चीज़ प्राइवेट होनी चाहिए और प्राइवेटली आप उसे देख सकें। उसके अंदर पासवर्ड का सिस्टम होना बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हम यहाँ उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तभी इसको बढ़ाना। अगर आपको लगे नहीं भाई ये तो इसने काम की बात नहीं बताई तो मेरे को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।